दोस्तों आज का ब्लॉग है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज अपन यहाँ पर है ना खाना पकाने वाले हैं। खाना पकाते पकाते देखो कितना मज़ा आएगा। अभी मैं फिलहाल अभी ये जलाने जा रहा हूँ, इसके बाद राइस पकाने के लिए रखने वाले यहाँ पर। चलो हम लोग वहाँ पर आज हम लोग की चिकन पार्टी होने वाली है। आकाश बनाने वाला है खाना। अभी देखो उसमें अभी राइस पक रहा है। अतुल इधर आ, ये देखो अतुल 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 भी है साथ में। हम तीनों जन आज चिकन पार्टी करने वाले हैं। पहले अभी राइस पका के ले रहे। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा राइस। मस्त धोके तो मस्त। हाँ दोस्तों देखो अभी चिकन पकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर चिकन का सब मसाला विसाला काट वीट के पत्ते चिकन दिया है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ देखो क्या क्या है चीजें। कांदा, टमाटर, मिर्ची पाउडर, धना पाउडर, दही। टेस्टी चिकन अभी तक पका नहीं है। ये देखो इसने काटा है सब कांदा टोमेटो, इसने काटा है अतुल ने। आकाश पकाने वाला है खाना और मैं सिर्फ मजे लेने वाला हूँ। राइस दोस्तों पक गया है, अभी उतार दिया है राइस। दोस्तों देखो ये मिट्टी लगा रहे बर्तन पे, मिट्टी लगा रहे, इससे ना चिकन का टेस्ट है ना बहुत जबरदस्त वो निखर के आता है और बर्तन बर्तन भी काला नहीं होता है। टेस्ट दोस्तों इतना जबरदस्त मिलेगा ना। देखो दोस्तों बर्तन एक्चुअली सूख गया है अभी पूरा, थोड़ा बहुत ही गीला बचा है। चलो अभी पकाना चालू करने वाले अभी। अभी देखो तेल डाल रही है, इसमें मसाला डालने वाला है। दोस्तों जबरदस्त महक आना चालू हो गया है। दोस्तों पक गया है, अभी कांदा डाल रही है इसमें। अभी इसको एकदम ब्राउन होने तक ये करेंगे, पकाएंगे। देखो दोस्तों कांदा अच्छे से पक गया है। अभी हम लोग टोमेटो डालने जा रहे हैं। ये देखो अभी इसमें नमक डालने वाले हैं ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। ऐसे ही टेस्टी सुगंध आ रहा है, मुंह में पानी छूट रहा है। दोस्तों ये अदरक लहसुन पेस्ट है, खलबत्ते में कुटा हुआ चाहिए, मिक्सर में नहीं। मिक्सर में कुटा हुआ में ना वो मज़ा नहीं आता है जो हाथ से कुटे हुए में रहता है। टोमेटो अच्छे से पकना चाहिए, इसके लिए ना अभी इसके ऊपर ढक्कन रखने वाले। ये देखो अभी लगभग है ना ये पूरा तरी से पक गया है। अभी इसके अंदर मसाला डाल रहे हैं दोस्तों। ये धनिया पाउडर है दोस्तों, ये मिक्स मसाला है दोस्तों, लाल मिर्ची पाउडर और बाकी दो चार मसाले मिक्स रहते हैं इसके अंदर। हल्दी पाउडर है, यम्मी। वो ऑयल जब तक है ना पूरी तरह से ना छूटता नहीं है तब तक पकाने का है। अभी ढक्कन रखने वाले, ढक्कन रख के पकाएंगे और दिखाते हैं आपको कितना ऑयल आता है। देखो दोस्तों अभी पतीला खोल रहे हैं, ये देखो कितना ऑयल छूट गया है। देखो बहुत जबरदस्त टेस्टी है दोस्तों ये। अभी ये नीचे उतार रहे हैं, एक्चुअली दिखाते हैं आपको। दही डालने के लिए नीचे उतार रहे। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत निखर जाता है दोस्तों। अभी इसके अंदर क्या डाल रहे भाई? अभी धनिया डाल रहे। ये देखो हरा धनिया डाल रहे डाल। ये देखो हरा धनिया डाला, बारीक कटा हुआ, एकदम बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों दिखने में तो भारी है ही, टेस्ट भी उतना ही जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। सुगंध अभी धनिया डालने के बाद जो आया है, साथ में अभी चिकन भी डाल देंगे। अभी साथ में ही देखो दोस्तों कच्चा चिकन, इसको उबाला बिबाला कुछ नहीं है, कच्चा ही है पूरी तरह से। धो भी के अच्छे से रखा है। दोस्तों सुगंध इतना जबरदस्त आ रहा है ना, मन कर रहा है अभी खाना चालू कर दूं। दोस्तों अभी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर से गैस पे रखेंगे बिना पानी डाले।
ये देखो अभी गैस पे रखने वाले, अभी थोड़ी देर पकाएंगे बाद में पानी डालेंगे। अभी 5-10 मिनट इसको दोस्तों ढक्कन बंद करके रखने वाले। बहुत टेस्टी है दोस्तों सच में। देखो दोस्तों अभी ढक्कन खुल रहा है। देखो दोस्तों इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला था, एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा छूटा है। देखो अभी इसके अलावा और पानी अपन डालने वाले, ऐड करने वाले एडिशनल वाटर दोस्तों। अंदाजे से फुल भर लेंगे। मिलाते रहे दोस्तों। ये देखो अभी नमक ऐड हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर अभी चिकन एक्चुअली पक रहा है, और चिकन पकते पकते उसको पकने देते हैं अपन। तब तक अपन दिखाते हैं हम लोग कहाँ पर आए। ये जगह है ना आपको मालूम नहीं रहेगी, ये हमारा है ना जॉब प्लेस है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जॉब करते हैं। ये देखो एकदम ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पर गेट लगा हुआ है, ये पर्सनल कंपाउंड है हमारे लिए। आ जाओ पीछे आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग नल यूज़ करते हैं, ये नल है हमारा, ये पूरा वीरान जगह है समझ लो। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, हम लोग तीनों ही जन यहाँ पर है। वाटर सप्लाई पंप है हमारा, ये वाटर सप्लाई का पंप है, ये महानगर पालिका का। अंदर से दिखाता हूँ आपको, अंदर जाऊँगा आपको आवाज़ अच्छे से आएगी नहीं, मगर देख लो। हमारा इधर बाहर आके बताते दोस्तों, हमारा कैबिन है ना, एक्चुअली आप हमारा कैबिन देखोगे ना घर जैसा एकदम। हमारा कैबिन, हमारा जॉब तुम देख के ना दोस्तों बहुत खुश हो जाओगे। चलो दिखाते, पहले आपको दिखाते हमारा ये। यहाँ पर तीन मोटर है दोस्तों, ये एक है, दो है, और ये इधर तीन है, तीसरे का काम चल रहा है यहाँ पर है। ये रिपेयर करने वाला हूँ मैं, खुद ये रिपेयर होने के बाद वहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग बंद चालू मोटर वगैरह करते हैं। यहाँ पर एक छोटा मोटर है, ये टाकी है नीचे, ये पूरा पानी, इसके नीचे पूरा पानी है दोस्तों। और ये देखो ये हमारा रूम है, आ जाओ। हमारा रूम देखो दोस्तों, एक्चुअली हम लोग का वर्क प्लेस है। यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा आराम यहीं पे करते हैं, घर पे कम होता है, यहाँ पर ज्यादा आराम है। इधर भी बहुत मतलब काम भी बहुत ज्यादा रहता है, कभी आया तो ज्यादा काम रहता है, कभी नहीं तो आज की तरह फ्री है। देखो आज हम लोग को ऑलरेडी पहले से ही मालूम था कि आज काम कम रहने वाला है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर ही चिकन बनाने का प्रोग्राम बनाया। चिकन पक रहा है, चलो चिकन देखने जा रहे हैं। चलना चालू हो गया। सुगंध दोस्तों जो आया है, सच बता रहा हूँ आपको, इसके सुगंध में ना अलग ही जान है दोस्तों। हाँ मजा आ गया भाई देख के, खुशबू तो एकदम जबरदस्त आ रही है, बहुत ज्यादा खुशबू है दोस्तों। चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है दोस्तों, ये देखो आकाश और ललचा रहा है देखो। सच दोस्तों देखो अभी हम लोग खाने के लिए एक्चुअली बैठ रहे हैं। देखो आपको दिखाता हूँ कितना टेस्टी और जबरदस्त बना है, बाकी आपको दूर से ही व्यू दिखाना पड़ेगा। मैं भी खाने के लिए बैठ रहे हैं, हम तीनों ही जने, आज कैमरामैन नहीं है हमारे साथ कोई भी। चलो आओ दिखाता हूँ राइस दिखाया। ये देखो दोस्तों कितना टेस्टी राइस दिख रहा है, देखो बाजी दिखा दोस्तों, एकदम भयानक घुमा के दिखा ना भाई यार इससे। बहुत टेस्टी है, कांदा टोमेटो भी है दोस्तों, नींबू है, पानी वानी सब लेके बैठ रहे अभी खाने के लिए। चलो अभी खाने का आनंद लेते।
दोस्तों खाना खा के हो गया है, हम लोग ने लगभग 5 बजे तक शूट खत्म कर दिया था, उसके बाद एडिटिंग को लगे थे। एडिटिंग करते करते हमको ये समझ में आया कि हम लोग जब भी खाना खाने बैठे थे तो उसमें ना आवाज ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल आवाज नहीं था दोस्तों, एकदम सिर्फ नॉइस था, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस था वॉइस, हमारा आवाज एकदम जीरो ही था और मोटर जो चालू था उसका ही आवाज ज्यादा था। तो देखने के बाद मुझे लगा कि वापस एक बार शूट कर लेना चाहिए ये लास्ट वाला पार्ट। खाना कैसा था भाई बताओ? खाना तो बहुत जबरदस्त था, खाना खाने का इतना कि अभी हम लोग आधा घंटे एक घंटा तो सो गए थे खाना खाने, इतना लाजवाब खाना था कि बनाया मैंने लेकिन अभी कुछ क्या तारीफ खाना खाए कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब क्या बोले उसके लिए दोस्तों। ये देखो ऐसा खाना है ना अपन को ना घर पे मिल सकता है ना होटल पे मिल सकता है, अपन को सिर्फ ना ये ऐसा खाना है ना अपन को जंगल में जाके या पिकनिक स्पॉट पे जो अपन अपने हाथ से बनाते हैं वो हिसाब से जो मजा रहता है वो अलग ही मजा रहता है। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, तुम भी अगर ना कभी ऐसा करोगे ना कहीं पे जाओ दूर घूमने के लिए पहाड़ी साइड या फिर किसी भी वाटरफॉल इधर उधर जाते हो ना वहां पर है ना जग पर सब टोप बीप साथ में लेके जाने का, बर्तन सब साथ में लेके जाने का और वहां पर पका के देखो और खा के देखो। सच बोल रहा हूँ मैं, जो चूल्हे का खाना रहता है ना दोस्तों घर के चूल्हे का अलग रहता है मगर ये अपन अर्जेंट में बनाते हैं ना अपने हिसाब से बनाते हैं ना वो उसका जो सच में बोल रहा हूँ बहुत जबरदस्त खाना था, खाने में भी बहुत सही रहता है और अपन एंजॉय करके खाते भी ज्यादा। हम लोग दोस्तों अभी आए एक एक घंटा सो गए थे उसके बाद चलो बाय बाय, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो बाय।